बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर निरंतर जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जिले बाड़मेर में देखने को मिल रहा है। यहां पर पिछले चार दिन से तापमान 49 डिग्री के पास पहुंच गया है। चिकित्सा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक और गर्मी से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष तैयारी करने के निर्देश दे रखे हैं। निर्देशों के बाद बाड़मेर चिकित्सा विभाग इसको लेकर व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन दावों की हकीकत कुछ और ही है। चिकित्सालय में हीट स्ट्रोक से बीमार लोगों के इलाज के लिए बनाया गया वार्ड ही बीमार नजर आ रहा है। यहां भर्ती मरीजों की माने तो पिछले एक हफ्ते से हीट स्ट्रोक के लिए रिजर्व किए गए वार्ड में ना तो एसी काम कर रहे हैं और ना ही कूलर। बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर निरंतर जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी जिले बाड़मेर में देखने को मिल रहा है। यहां पर पिछले चार दिन से तापमान 49 डिग्री के आसपास रहा। शनिवार को बाड़मेर का अधिकतम तापमान 48.78 डिग्री और न्यूनतम तापमान 33.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चिकित्सा विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक और गर्मी से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष तैयारी करने के निर्देश दे रखे हैं। निर्देशों के बाद बाड़मेर चिकित्सा विभाग इसको लेकर व्यवस्था के बड़े बड़े दावे कर रहा, लेकिन दावों की हकीकत कुछ और ही है। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के अधीक्षक के अनुसार हीट स्ट्रोक और भीषण गर्मी के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त वार्ड मेडिसिन सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं, लेकिन धरातल पर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। यहां पर हीट स्ट्रोक से बीमार लोगों के इलाज के लिए बनाया गया वार्ड ही बीमार नजर आ रहा है। यहां भर्ती मरीजों की माने तो पिछले एक हफ्ता से हीट स्ट्रोक के लिए रिजर्व किए गए वार्ड में एसी काम नहीं कर रहे, जिसके चलते टिन शेड से बने वार्ड में शरीर को जलाने वाली गर्मी के चलते मरीज और उनके परिजनों के हाल बेहाल हैं। ऐसे में बाड़मेर राजकीय अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिना एसी के इस वार्ड में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को रखने की बात बाड़मेर का चिकित्सा महकमा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से हालात इस वार्ड के अंदर बने हुए हैं उससे इतनी भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों को रखना सीधे उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, कितने दिन हो गए भर्ती किए हुए? 3 दिन हो गए। अच्छा, तो क्या जिला प्रशासन की ओर से ऐसा नहीं लगा रहे अस्पताल प्रशासन की ओर से? उधर से नहीं है, मैं पर्सनल लेके आया, खुद खुद का है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है? यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा वक्त नहीं है। तो फिर और क्या जतन करते हैं आप इनको? इधर पंखा है, दूसरा कुछ नहीं है। चलो, क्या तकलीफ क्या आ रही है इसमें? अच्छा, तो ये हीट स्ट्रोक के लिए रिजर्व वार्ड है ना? कितने बेड है यहाँ पर? 1 से 10 तक। कोई पेशेंट है? अभी तक तो कोई नहीं आया। अच्छा, जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो कह रहा है कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, हीट स्ट्रोक का कोई मरीज आता है तो तुरंत अटेंड किया जाएगा। कैसे करेंगे सर, कोई अल्टरनेट व्यवस्था? वो पहले से तैयार है, एकदम तैयारी रखी हुई है, 1 से 10 तक बेड, एकदम सतर्क के ट्रीटमेंट वगैरह ट्रोली। अच्छा, कूलर तो बंद है, कोई एसी तो बंद है, फिर क्या व्यवस्था है? कूलर की व्यवस्था है। बीच में तो चल रही थी, वापस बंद हो रही थी, अभी आए करने से जब छुट्टी मई कर रहे हैं। अच्छा, तो ये वार्ड हीट स्ट्रोक लिए रिजर्व है ना? पास वाला अभी रिजर्व बेड वहाँ रखे। अच्छा, तो फिर ये फिर कैसे चलाते हैं? क्या कर रखी है? कूलर की व्यवस्था क्या रखी है? क्या परेशानी क्या हो रही है इसी में? बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के बाकी वार्डों की बात करें तो वहाँ भी स्थिति बेहद खराब। कई वार्डों में महज एक ही कूलर लगाया गया है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीज या तो अपने स्तर पर कूलर पंखे की व्यवस्था कर रहे हैं, और अगर कोई मरीज अपने स्तर पर कूलर पंखे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा तो उसे इसी व्यवस्था के साथ इस भीषण गर्मी में जलने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन सब के बीच कई वार्डों में एसी और कूलर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ वोल्टेज की समस्या के चलते एक भी एसी नहीं चल रहा। इन सब के साथ अस्पताल में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के चलते जो कूलर चल रहे हैं वो भी गर्म हवा दे रहे हैं। यहां तैनात नर्सिंग स्टाफ बताते हैं कि जो एसी कूलर खराब है उसको लेकर चिकित्सालय प्रशासन को अवगत करवा रखा है।